आज जब हम देवी देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं, मानवता के कल्याण की बात करते हैं, तो हमें अपनी प्रार्थना में उन श्रमिक भाइयों को भी स्थान देना है जो बीते करीब 2 सप्ताह से उत्तराखंड की एक टनल में फंसे हुए हैं। सरकार और तमाम एजेंसियां मिलकर उन्हें संकट से बाहर निकालने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है, लेकिन इस राहत और बचाव अभियान को हमें बहुत सतर्कता से ही पूरा करना है। इस अभियान में प्रकृति हमें लगातार चुनौतियां दे रही है, लेकिन हम डटे हुए हैं, 24 घंटे प्रयास कर रहे हैं। हमें प्रार्थना करनी है उन श्रमिकों के सकुशल निकलने के लिए और जल्द से जल्द निकलने के लिए। हमें हिम्मत देनी है, हौसला देना है उन श्रमिकों के परिवार को कि पूरा देश आपके साथ है। देव दीपावली का हर दीप, कोटि दीपोत्सव का हर दीप उस टनल में फंसे श्रमिकों के जीवन में जल्द से जल्द प्रकाश लाए, हम सभी की यही प्रार्थना है। It's gone very well last night. They've just crossed 50 meters. Let's say it's about 5 or 6 meters to go. They're just putting another pipe in, so we're expecting some good results later today. Sir, we have crossed 50 meters. It is very big achievement. It is, yes, very big. So how much left? We think probably another pipe 6 meters. 5-6 meters only left? Yes. So how much time it will take to reach 5-6 meters? Oh, it depends on the ground, but we haven't had any obstacles last night, and it's looking very positive sometime today. मैनुअल प्लस पुशिंग वाला जो है ना, मतलब बेसिकली आप ये समझिए कि काम स्टार्ट उसमें ये हो गया है कि क्लियर करते हैं हाथ से, तो मैनुअली हाथ से क्लियर करके उसको अगर कहीं भी दिक्कत आती है उसको मशीन से, अभी बीच में छोटे सरिये थे तो उनको काट दिया गया, तो इट विल वर्क लाइक दिस। जैसे थोड़ा थोड़ा चलता रहेगा, लेकिन इसके अंदर कोई एक स्पीड, कोई एक समय सीमा, जैसे आप लोगों के फिर सवाल होंगे, ऐसा कुछ नहीं बताया जा सकता। लेकिन लेट्स प्रे एंड लेट्स होप कि जितनी जल्दी हो सके उतनी कम कठिनाइयां हैं और हम ज्यादा से ज्यादा जल्दी इसको कर पाए। जहां तक कि हॉरिजॉन्टल बोरिंग की बात हुई, मैं बस एक दो चीज इतना ही ऐड करूंगा कि आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि 1.9 मीटर्स हमने पाइप जो आगे डैमेज था वो हमें कट करना पड़ा, तो अभी जो 0.9 मीटर्स है, हम मतलब 1.9 से सिर्फ 0.9 मीटर्स हमने मेकअप किया है। 6 मीटर जो अगला है, अनदर 1 मीटर करने के बाद, वो थोड़ा सा हमारे लिए चुनौती भरा होगा, और फिर हम उसको रिव्यू कर रहे हैं रेगुलरली। हम देख रहे हैं जो भी एक्शन लेना होगा हम लेंगे साइमल्टेनियसली, और उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द हम आगे बढ़ते रहें। काफी प्रोग्रेस हुई है। जो मेन हॉरिजॉन्टल अप्रोच हमारा सिलक्यारा से हो रहा था, सिलक्यारा एंड से हो रहा था, उसके अंदर जो फंसा हुआ मलबा था और फंसा हुआ टूटा टुकड़ा था जो हमारे ऑगर का, उसको हटा दिया गया है। बाकी जो ऊपर वर्टिकल वाला है उसमें कल 15 मीटर तक का डेप्थ हमको हासिल हुआ था, आज 30 से 32 मीटर हासिल हो गया है, और उसमें अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है।